उत्तर प्रदेश में अमेठी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बैंक मैनेजर के अपहरण बेटे को महज दो दिन के अंदर पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया है। एसओजी टीम और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़ में एसओजी प्रभारी विनोद यादव के हाथ में गोली लगने से घायल हो गए। वहीं एक बदमाश के पैर में भी गोली लगी है। कार सहित बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया और घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि बैंक में तैनात शाखा प्रबंधक शिव कुमार लाल निगम के बेटे गौरव लाल निगम का बुधवार को बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। अपहरणकर्ता शाखा प्रबंधक के बेटे से 20 लाख फिरौती की मांग बेटे के बदले कर रहे थे, जिसकी शिकायत शाखा प्रबंधक द्वारा मोहनगंज थाने में की गई थी। जब हम अपनी शाखा पर पहुंचे तो हमको एक फोन आया कि आपके बेटे का सुबह 10:30 बजे अपहरण हो गया है। उस समय नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्या कहते हैं कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो संयोग से 112 नंबर पर हमने कॉल किया और वहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन सूचीबद्ध की गई और तत्पश्चात थाना कमरौली, थाना मोहनगंज, थाना शिवरतनगंज और थाना जामू आदि थाना अध्यक्षों से हमारा संपर्क हुआ और सभी लोगों ने FIR दर्ज किया। और इसमें क्या कहते हैं RM साहब ने हमको तत्काल छुट्टी दी जब रीजनल ऑफिस में सूचना पहुंची, और उसके बाद मैं आया और क्या कहते हैं मतलब कि DYSP, SHO और क्या कहते हैं कप्तान साहब सभी लोगों ने सकारात्मक सहयोग दिया और हमारे लड़के का जो अपहरण हुआ था बदमाशों को पकड़ करके और क्या कहते हैं हमारे लड़के को छुड़ाया। सर अमेठी जिले में आज मोहनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ कार सवार बदमाशों के द्वारा बैंक मैनेजर के बेटे का अपहरण कर लिया गया और यह उनके द्वारा बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। जैसे ही इसकी सूचना मिली अमेठी के पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह तत्काल पुलिस की टीमों को उन्होंने एक्टिव कर दिया और उसकी बरामदगी शुरू कर दी। ऐसे में जो है अमेठी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जो उसकी एसओजी टीम थी उसके साथ अभी बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। क्या था पूरा मामला इसको जानने के लिए सीधे हम पुलिस अधीक्षक महोदय के पास चलते हैं। भैया कैसे ये इनकी जो है जो लूट बदमाश कार सवार बदमाश थे उनकी पकड़ कैसे की गई, कैसे मुठभेड़ हुई, कहां पर हुई है? सवेरे राजा फतेहपुर से 1 किलोमीटर पूर्व सन्नाटे में ये जब अपनी दुकान के लिए जा रहे थे तो टाटा रंग कार थी, नीले रंग की टाटा नेक्सन, उससे 4 अभियुक्तों ने इनका अपहरण कर लिया। इनके मित्र जो इनके साथ थे उन्होंने 112 को खबर की, तत्काल पुलिस टीमें सक्रिय हुई। घटना की गंभीरता और अधिक बढ़ गई जबकि अभियुक्तों के द्वारा इनके ही फोन से उनके पिता से 20 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई। हम लोगों ने अपनी सारी टीमें सक्रिय कर दी और जो इन्होंने 3 बार कॉल करके अपहृत के फ़ोन से ही कॉल करते थे और उसका फ़ोन स्विच ऑफ कर देते थे, तो जो डॉट्स हमें मिले उनको हमने जोड़ा और उस दिशा में टीमें रश करी और सामने की तरफ से मतलब पीछा तो उधर टीमें कर रही थी, हमने इधर से इनकी नाकेबंदी करी, जिस पर हमारी करीब मिसरौली भेटुआ मार्ग पर करीब 9:30 बजे मुठभेड़ हुई जिसमें उन्होंने पुलिस पर फायर किया और अपहरण को खींचकर भागने की कोशिश करी। दूसरी दिशा में पुलिस ने भी जवाबी प्राणरक्षा में फायर किया जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी, 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और अपहृत गौरव को हमने सकुशल बरामद कर लिया। इसमें पुलिस टीम ने बहुत कोऑर्डिनेशन के साथ परिश्रम किया, तो जिन टीमों ने इसमें अपना योगदान दिया उनको मैं उत्साहवर्धन के लिए 25,000 रुपये के नकद पुरस्कार की मैंने घोषणा की। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस के जवानों को भी कोई चोट? हमारे SOG प्रभारी को हाथ में गोली लगी, अभी उनका उपचार चल रहा है, डॉक्टर्स ने बताया है कि वो खतरे से बाहर है। तो ये थे पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से घटना को जो है इन बदमाशों ने अंजाम दिया था और कैसे पुलिस जो है चंद घंटों के अंदर उन तक पहुंची और उनको जो है उनके साथ मुठभेड़ हुई, उसमें उनको गिरफ्तार किया। तो निश्चित रूप से जिस तरह से बदमाशों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था उससे भी कहीं आगे निकल कर पुलिस के द्वारा इस तरह से सकुशल मैनेजर के बेटे को बरामद कर लेना, जो है सकुशल बरामद करना बहुत ही बात है, अपने आप में निश्चित रूप से बड़ी बात है, वो भी चंद घंटों के अंदर। तो अब ये निश्चित रूप से ये जो पुलिस है पुलिस SOG टीम का वो भी उसके प्रभारी भी घायल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा गुड वर्क देखने को मिला है। कैमरा पर्सन मोहन ठाकुर साथ लोकेश त्रिपाठी, लाइव टुडे अमेठी।